अगली खबर आगरा से है, जहां 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर मारकर उपद्रवियों ने 30 शीशे तोड़ दिए। ट्रेन के संचालित हुए मार्ग 68 दिन हुए हैं, मगर ट्रेन के एग्जीक्यूटिव और चेयर कार कोच पर कई बार पत्थरबाजी हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस पत्थरबाजी में अभी तक किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। पीएम मोदी ने ट्रेन को 1 अप्रैल को भोपाल में कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया था। जानकारी के मुताबिक इन टूटी खिड़कियों में से 16 खिड़कियों को भोपाल मंडल के कैरेज एवं वेगन स्टाफ द्वारा बदला जा चुका है, मगर अभी भी ट्रेन में 14 विंडो ऐसी हैं जो पत्थरबाजी से टूटी हैं। इन खिड़कियों को बदला नहीं गया है। बुधवार शाम को वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान टीम वंदे भारत ट्रेन के अंदर प्रवेश किया, जहां कोच E2, कोच C3, C4, C5, C6 और C7 में विंडो के शीशे टूटे हुए थे। कई खिड़कियों में लंबा क्रैक था। कुछ टूटी खिड़कियों को सही करने के लिए उन पर टेप लगाया गया था। ट्रेन दिल्ली से आगरा आई एक यात्री ने जब कोच में टूटी खिड़की के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि नई ट्रेन में टूटी विंडो देखकर उन्हें हैरानी थी। वहीं ट्रेन में चलने वाले स्टाफ का कहना था कि रास्ते में ट्रेन पर पत्थरबाजी लोग मारते रहते हैं, जिस कारण शीशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।